गुड मॉर्निंग। तो हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं, अभी अभी हम लोग उतरे हैं। तो ऑटो से उतरे हैं। ये देखो, आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, ऐसा ऑटो है। तो अभी हम लोग होटल ढूंढने जा रहे हैं। अभी होटल मिलने के बाद हम लोग देखते हैं कहाँ जाते हैं और किधर से शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ सारा डिटेल, तो मैं खुद पहली बार आई, तो डिटेल का तो नामो निशान मत लीजिए। सेकेंड टाइम, ये सेकेंड टाइम आई है। तो लेट्स सी, देखते हैं। जो जो मैं घूमूंगी वो आपको बताऊंगी, जितना मुझे पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। और हम किस होटल में रुके, क्या रेट से रुके हैं, और कौन ऑटो वाला है जो हमें घुमा रहा है, उसका डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और चलो देखते हैं। अभी हम इस होटल में जो रुके हैं, इसका नाम तो कहीं लिखा नहीं है, पर ये ना कितना है बाबू? कल शाम तक के लिए 2000, 6 लोग का। 6 लोग का एक ही रूम? हाँ शायद, बड़ा रूम होगा। तो अभी तक रूम हमें नहीं मिला है, क्योंकि रूम खाली नहीं हुआ है। जब रूम खाली होगा तभी हमें रूम मिलेगा। तो हम लोग ऐसे रोड पे बैठे, मतलब बाहर बैठे हैं आके। फाइनली हम लोग को रूम मिल गया है। चलो चलो चलो, हम लोग बैग वैग सब छोड़ के भाग रहे थे। पापा बोलते हैं बैग तो ले लो। 2:03 सबसे पहले हम लोग आए यहाँ पे श्री कृष्ण जी का जो गुरुकुल था, वहाँ पे हम लोग का दर्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सब कैसा है। ये अभी शायद से काम चल रहा हो, हाँ, इसके लिए टेंट लगाया है। ये एंट्रेंस है, सबका हाथ धो रहे हैं। यहाँ पे फोटो वीडियोस निकालना मना है, फोन छीन ले रहे हैं, और मैं छीनवाने तो दूंगी नहीं अपना फोन, तो उसके लिए सॉरी। तो देखते, तो अब हम लोग वहां से निकल गए, ये मंगलनाथ मंदिर जा रहे हैं। तो चलते हैं। आप ना उज्जैन जाएंगे ना, वहाँ पे ना कोई भी मंदिर में आपको शूट करना अलाउ नहीं। ये तो मैं ये अंकल के पीछे मोबाइल से छुपा के शूट कर रही थी, फिर बाद में ना एक गार्ड को पता चल गया, तो उसने मेरा मोबाइल छीन लिया था। तो मैंने इसके बाद बंद ही कर दिया, बिकॉज बाबा उससे बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था, 5000 फाइन मांग रहा था मेरे से।
तो फिर हम लोग काल भैरव के दर्शन के बाद खाना खाने गए थे। एक्चुअली ये जो जिधर मैं खाना खा रही हूँ ना, ये आपको ऑटो वाला खुद लेके जाएगा। यहाँ पे एक सिस्टम बहुत अच्छा है उज्जैन में, आपको थाली वाला खाना मिलेगा अनलिमिटेड, आपको जितना चाहिए उतना खाओ। 100 रुपीज़, 120, 130 ऐसा पर प्लेट रहेगा। मुझे ये बहुत सिस्टम पसंद आया, इससे ना बहुत पैसे बच जाते हैं और जो बजट में जाते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए एक लास्ट माता जी का मंदिर में दर्शन के लिए। फिर उसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, बिकॉज इतना धूप था ना कि पूछो ही मत। मतलब बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा था, पैर इतना जल रहा था। यहाँ पे मैं और मेरी बहन रनिंग कॉम्पिटिशन भी कर रहे थे, कौन ज़्यादा टाइम धूप में दौड़ सकता है। वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं ट्राई करूँगी और दूसरे व्लॉग्स डालने का, बिकॉज वहाँ पे शूट करने नहीं दे रहे थे।